गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने समुच्चय पर तीन वीडियो आपको भेजे थे। उसमें हमने समुच्चय के सभी फंडामेंटल्स, परिभाषाएं और नियमों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन परिभाषाओं को एग्जाम्पल के तौर पर उसको देखेंगे कि इनका किस तरह से यूज किया जा सकता है। एक बहुत सिंपल तरीके से हम एक यू लेते हैं। यू किसको कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, एक हमने इसको मान लिया कि इसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और एक अवयव समुच्चय लिया हमने, उसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4। और बी समुच्चय लिया हमने जिसमें अवयव हैं 2, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमने परिभाषा बताई थी उसको हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट का तरीका था। तो हम देखते हैं कि ए जो है, ए के सारे अवयव किसमें है? यू में है, यू के अवयव है। तो यदि एक समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में अंतर्विष्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? उप समुच्चय। तो ए उप समुच्चय है। यू का, और वैसे भी हमने बताया था सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसके अंदर सारे समुच्चय जो होते हैं बाकी वो सब इसके उपसमुच्चय होते हैं। तो इसको हम उपसमुच्चय को किस तरह से दर्शाते हैं? को इस तरह से दर्शाते हैं। तो उपसमुच्चय का चिन्ह क्या हो गया? यह उपसमुच्चय का चिन्ह है। अब हमने आपको संघ का बताया था, दो समुच्चयों का संघ, संघ, संघ यानी यूनियन। यूनियन कैसे डिफाइन किया था हमने? कि हम क्या करते हैं कि जैसे हम ए संघ बी लेना है, ए संघ बी में ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, और इसमें जो अवयव रिपीट हो रहा है उसको हम केवल एक बार लिखते हैं। तो जरा देखो, एक दो इसमें रिपीट कर रहा है तो हम उसको एक ही बार लेंगे। फिर आ जाएगा 3, फिर 4 आ जाएगा, 5, 6, 7। तो हम ये देखते हैं कि ए संघ बी में ए के पूरे अवयव हैं और बी के भी पूरे अवयव हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ए संघ बी है और ए उपसमुच्चय होगा ए संघ बी का, क्योंकि ए के सारे अवयव हैं, और बी भी उपसमुच्चय होगा ए संघ बी का। अब हम आते हैं सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ के लिए हमने यहां पर ए क्या लिया था? एक दो तीन चार लिया था, और बी को क्या लिया था हमने? 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा इंटरसेक्शन? इसको हम इस ए सर्वनिष्ठ बी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उल्टा यूज। तो हम ए सर्वनिष्ठ बी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी। तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? वे अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो जरा देखो कौन से अवयव दोनों समुच्चय में? दो, ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। तो जो कॉमन अवयव है वो ए सर्वनिष्ठ बी में आएगा। तो दूसरा अवयव देखो, 4, ए में भी है और बी में भी है। तो ए सर्वनिष्ठ बी में दो अवयव आएंगे, कौन कौन से? 2 और 4। अब हमने तीसरा क्या बताया था? अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे हमने बोला ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो जरा देखो
इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो ए के बे अवयव, एक बी में नहीं है, एक का एक जो अवयव है वो बी में नहीं है इसलिए हमने इसमें आ जाएगा, दो जो है बी में भी है इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक के वे अवयव चाहिए जो बी में ना हो, तो दो इसमें शामिल नहीं हुआ। अब तीन को चेक करो, तीन बी में नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा। फिर चार देखेंगे, चार चूंकि बी में है इसलिए हम इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक और तीन। अब हम इसी तरह से बी माइनस ए चेक करते हैं, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी के वह अवयव जो ए में ना हो, तो बी के अवयव चेक करो, दो ए में है इसको इसको नहीं लिखेंगे, चार बी में है ए में है इसको नहीं लिखेंगे, पांच आएगा, पांच ए में नहीं है, बी का अवयव जो ए में ना हो तो पांच ए में नहीं है, छह ए में नहीं है, सात ए में नहीं है और आठ ए में नहीं है, तो ये बी माइनस ए हो गया। और स्पष्ट दिख रहा है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे निकालते हैं। अब आते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, यदि हमने u लेके चलते हैं एक दो से दस तक, और यदि हमने a ले लिया एक तीन पांच, तो a का पूरक क्या हो जाएगा, a का पूरक वह होगा u के वे अवयव जो a में ना हो। तो जरा देखो, चेक करो u के कौन कौन से अवयव हैं जो a में नहीं है, तो हम देखते हैं एक a में है तो इसको नहीं लिखेंगे, दो a में नहीं है दो यहाँ आएगा, तीन a में है इसलिए नहीं आएगा, फिर चार a का अवयव नहीं है चार यहाँ आएगा, तो पांच क्योंकि a में है तो पांच भी नहीं आएगा, छः सात आठ नौ दस, यह जो अवयव हैं वो a के पूरक कहलाएंगे। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसको डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसा होगा, इसमें ए के अवयव कौन कौन से हैं, एक तीन पांच, और यह जो आयत है उसमें इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय से डिफाइन करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा दो चार छ आठ सात नौ दस, तो ए का जो सर्कल है यह ए है समुच्चय, तो इसके बाहर का जितना स्पेस है जिसको हम लाइन से को पूरा कवर कर रहे हैं, यह जो यह ए का पूरा को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों को समझ में आ गया कि पूरक समुच्चय क्या होता है, अंतर समुच्चय, समुच्चय को संघ, समुच्चय को सर्वनिष्ठ, ये सभी प्रकार की परिभाषा हमने